भारतीय कमेटी बनाई जाएगी जिसकी कोशिश ये होगी कि इस तरह के हादसों पर रोक लगे, इस तरह के अत्याचारों पर रोक लगे और उसके लिए जमीन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और जहां भी ऐसी घटना हो वहां जाकर बाकायदा कानूनी हस्तक्षेप किया जाए। ये भी हुआ साथ के साथ ये भी एक सुझाव आया और ये भी मुझे लगता है कि हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, न्यायालय द्वारा जो दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, महाराष्ट्र की एक घटना का जिक्र आया, महाराष्ट्र में जब एक अपर कास्ट की लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसमें 3 लड़कों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन जब एक दलित लड़की पे बलात्कार हुआ तो उसमें कोर्ट ने उसी के वैसे केस में उसको बाइज्जत बरी कर दी। तो हम पूछना चाहते हैं ये मनु का शासन है या संविधान का शासन है? तो ये जो बात है ये हमें समझना है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड हो गए जो न्यायाधीश हैं, जिसमें हमारे समाज के भी 2 न्यायाधीश हैं, जस्टिस रामास्वामी हैं, के बालाकृष्णन हैं, और बैकवर्ड क्लास के भी कई लोग हैं, पीवी सावंत हैं, महिला भी थी चीफ जस्टिस जो, तो ऐसे पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट द्वारा दलित और आदिवासी के मसलों पर जो न्याय फैसले दिए गए हैं उन पूरे फैसलों की समीक्षा करे कि वो फैसले कानून के हिसाब से दिए गए हैं या उनके भेजे में जो ब्राह्मणवाद है उसके हिसाब से दिए गए हैं।